आ जा तो, और इसको टाइम भी भी हो हो गया गया, था। 1-2 साल का टाइम भी इसका गया है। तो क्या हुआ कि जब ये पहले गया है तो फैब बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, जैसे अभी ये लोग कर रहे हैं ना वैसे ही फैब बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो फैब बैच की प्रिपरेशन में क्या हुआ कि ग्रेट ईस्टर्न में हो गया, सब कुछ हो गया, और लास्ट में मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। पहले एक बार ऐसे एंग्लो में अटक गया था, तो फिर फाइनली इसने एंग्लो क्लियर किया और काफ़ी मेहनत करी है। अब अभी के टाइम पे तुम्हें ये काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ेगा, जब ये पहली इसी क्लास में जब ये रीसेट हो रहा था ना, ये वाला रीसेट हो रहा था, तब सुनील से इसने डाउट्स पूछे थे और सुनील ने इसको इतना खींचा था उस टाइम पे, लेकिन अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और अभी काफ़ी सारे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो वो तुम पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे जिससे तुम्हें ये बताएगा कि वहाँ करके कैसा एक्सपीरियंस, मतलब क्या क्या नई चीज़ें होती हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गगन आ जाए यहाँ पे लोगों के लिए, जिसको भी डाउट पूछने हैं वो ये माइक ले लेगा, ये माइक लेकर के अपने डाउट पूछ सकता है। तो पहले गगन तू थोड़ी ना पहला अपनी थोड़ी सी स्टोरी इनको एक बार बता दे कि तेरी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है और तू यहाँ पे रहेगा, ये जगह सही है ना तेरे लिए, हाँ तो सही। ये तेरी जगह है, यहाँ से तू स्टार्ट कर अपनी एक बार थोड़ी स्टोरी बता दे इनको, फिर ये सो डाउट पूछ गुड सकता। आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो आई एम गगनदीप सिंह एंड करेंटली स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय सेम 1 एंड आई एम ऑन सेमेस्टर ब्रेक राइट नाउ। तो आप पूछो इफ समवन हैज एनी डाउट। जस्ट लाइक सर ने अभी बोला कि आपका फैब में नहीं हुआ और आपने फिर मतलब अगस्त में ट्राई किया, मतलब आपका फैब में नहीं हुआ तो मतलब आपको फील कैसा हुआ कि और आप अगस्त बैच के लिए मतलब कैसे प्रिपेयर वापस स्टार्ट किए? एक्चुअली मैंने ये करियर स्टार्ट करा था अपना अगस्त 2021 में, तो मेरा खाली फेब में ही नहीं हुआ था, मेरा उससे पहले अगस्त और फेब में एक बार ही रिजेक्शन हो रखा था। तो एक्चुअली मेरे को यहाँ पे आने में 3 साल लग गए थे। यही रिजेक्शन थी मेरी कि मतलब ड्यू टू सम कोई लैक ऑफ नॉलेज मैं यहाँ पे आ नहीं पाया था। तो जब मैं सर के पास आया मैंने प्रिपेयर वगैरह करा, मैंने अपना बेस्ट दिया था, तो उसके बाद भी तुमको अगर तुमको जहाँ पे जाना है वहाँ पे नहीं मिला, तो हाँ मेरे को थोड़ा दुख हुआ था पहले, बट उसके बाद मैंने सर से बात करी, सर ने मेरे को मोटिवेट करा कि तुम फिर से आओ। इवन मैंने फिर से बैच भी ज्वाइन करा था, बट हाँ सर ने बहुत हेल्प करी उसके बाद, मोटिवेट करा। पर हाँ मैंने खुद सोच लिया था कि यार ग्रेट ईस्टर्न से बेटर कंपनी में जाऊँगा, तो मैंने उस हिसाब से और मेहनत करी चलिए। तो हाँ दैट्स वेल मतलब हुआ था बट इतना नहीं, मोटिवेट हो गया था मैं। वो नहीं बुलाया उन लोगों ने। हाँ तो हुआ क्या था, फेब बैच के लिए मैं ग्रेट ईस्टर्न से स्पॉन्सर्ड हो गया था, मैंने अपना मेडिकल वगैरह सब करवा लिया था। बट उसके बाद एक हफ्ते बाद मेरे को उनका ही मतलब मेरिट लिस्ट आती है और उसमें मेरा नाम नहीं था, तो ग्रेट ईस्टर्न वालों को मैंने फ़ोन बहुत फ़ोन करे, मैं एक हफ्ता तक लगातार उनको फ़ोन करे कि सर रीज़न बताओ कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे PCM वगैरह सब अच्छे थे, PCM अच्छी थी मेरी, मतलब मेडिकल मेरा एकदम बढ़िया गया था। ऊपर से जो ये ग्रेट ईस्टर्न का जो टेस्ट होता है उसमें भी ऑलमोस्ट फुल नंबर थे, तो तब भी एक वो नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और इवन जिसके मेरे से कम PCM थी, जिसकी मेरे से कम रैंक थी, वो बंदे का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मेरे को ये डाउट था। तो इसके लिए मैंने उनको लगातार फ़ोन करे और उनका हर बार एक ही जवाब होता था कि हमने अकॉर्डिंग टू आवर मेरिट लिस्ट हमारे ये 80 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, स्पॉन्सर्ड हो गए हैं, इनमें से कोई अगर छोड़ेगा देन वी विल कॉन्टेक्ट यू। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनी है, क्या सीन था उनका, वो आज तक नहीं पता चला। हाँ और किसी को कोई डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड? ये सारे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं यार हमारी क्लास के, इनको कोई डाउट आउट नहीं नहीं पता लगेगा वहां पे आएंगे आता तो। वहां पे आकर के पता लगे। अच्छा चल ठीक है, थोड़ा सा डाउट, अगर इनको डाउट नहीं है तो थोड़ी हम बातें बता देते हैं अपने एंड पे। मैं जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो वही क्वेश्चन एक बार मैं तेरे से पूछते जाऊंगा और तू बताते जाना इनको, ठीक है? पहली बात तो ये बता दे कि जो जिन बच्चों को नहीं डिसिप्लिन तोड़ने में बहुत मजा आता है, हाँ जैसे वो एक इंसिडेंट है कि जरा फायर अलार्म को छू करके देखे, इसका कांच तोड़ करके देखे कैसा लगता है कैसा नहीं, वो वाला इंसिडेंट एक बार जरा इनको बता दे, ये जितने भी। तो ये मेरे एंग्लो ईस्टर्न का रिसेंटली हुआ था, तो हुआ डोंट क्या टेक था, डोंट टेक द नेम्स, नाम मत लेना। तो हुआ क्या था, कुछ कैडेट्स थे तो मतलब ऐसे ही दिमाग में चुल की चलो ट्राई करते हैं क्या होता है, थोड़े खुराफाती आइडियाज़। तो उन्होंने क्या करा, जो मेन फायर अलार्म सिस्टम होता है हॉस्टल के अंदर ही फिट होता है, तो उन्होंने ना वहाँ से उंगली कर दी, उसमें कुछ बटन वगैरह दबा दिए, तो उससे क्या हो गया पूरे हॉस्टल का फायर अलार्म रेज हो गया, सब कैडेट्स अपने कमरे से बाहर भाग गए।
वो जो अपना फायर अलार्म सिस्टम था वो हमारा एकेडमिक ब्लॉक और इवन सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर भी कनेक्ट होता है, तो वहाँ पे फायर अलार्म पूरा एकेडमिक ब्लॉक बाहर आ गया। तो उसमें क्या हुआ था, पूरा कैंपस को ना, जैसे भी कभी अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो सबको भाग के ना मस्टर ग्राउंड में मस्टर करना पड़ता है, तो सब वहाँ पे पहुँच गए एकदम से। इवन सारे कैडेट्स वहाँ पहुँच गए, सारे टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, गार्ड सब वहाँ पे मस्टर करने लग गए, क्योंकि फॉल्स अलार्म था, पता भी नहीं लगा। और फॉल्स अलार्म भी क्या था कि अगर फॉल्स अलार्म बजता है ना तो उस पर्टिकुलर कैडेट के रूम में बजता है, अगर कभी भी बजे तो। बट उस अच्छा टाइम क्या हुआ था, मेन अलार्म से ही मजे ले लिए गए थे, तो उससे क्या हुआ कि अच्छा वो पूरे पूरे अकेडमी में बजने लग गया। तो वहाँ पे हमारे एक कैप्टन है, वो इसके इंचार्ज है, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने सिक्योरिटी कैमराज वगैरह देखे, तो उन सिक्योरिटी कैमराज में से दो कैडेट्स पकड़े गए थे। तो उनको वहाँ उनके कैमराज में से फेस वगैरह आइडेंटिफाई करे, उनको बुलाया, उन लोगों को 1 महीने के लिए सस्पेंड करा था, और 1 महीने के लिए उनसे सुबह 9 to 5 पूरी बिल्डिंग पेंट करवाई थी। 1 महीने के लिए लगातार वो पेंट वर्क करते थे, चिपिंग करते थे, इवन झाड़ू पूरा कैंपस साफ करते थे वो दोनों बंदे, उनसे नालियां साफ करवाई। इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि तुमसे अपना रूम भी नहीं साफ होता ना। इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो कि अगर तुमने ये काम कर दिया ना गलती से भी वहां पे जा करके, तो भाई वो तुम्हें ऐसा रगड़ेंगे, ऐसा रगड़ेंगे कि जितने लोग जो है ना, ये मम्मास बॉय, हाँ ये मम्मास बॉय भी एक दो निकल करके गए ना वहां से। हमास बॉय को भेज दिया वापस, जो वहां पे जाते ही पहले हफ्ते में उनसे पूछा जाता है, पहले हफ्ते वो यही पूछते हैं, मन लग रहा है वहां पे वार्डन से यही पूछेंगे, तो अगर आपका मन नहीं लग रहा तो सही में सच बताओ तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कुछ थे वहां पे दो बच्चे, दो तीन बच्चे थे, वो बहुत रोते थे उनमें से, मतलब हाँ उनको बहुत हेल्प करी उन्होंने वार्डन्स ने, एज अ फैमिली ट्रीट करा, तो हाँ वो ठीक हो गए। बट उनमें से एक बच्चा था जो इसको वापस नहीं कर भेज पा रहा दिया, था, जिसके लिए मुश्किल हो रहा था, तो वो घर भेज दिया। तो ये आप याद रख करके चलो कि आपको लगेगा कि अरे यार ये पनिशमेंट दे रहा घर है, भी मुझे क्या भेज पनिशमेंट दिया, कैसे उन्होंने दे दिया। खुद ही छोड़ दिया था। हाँ, वो पनिशमेंट तुम्हें ऐसा देंगे कि तुम अपने आप छोड़ छाड़ करके निकल जाओगे, ये पहले से ही याद रखना। तो ये बंद कर, ये पहले से याद रखना कि हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरे एक एक तो ये हो गया, जैसे बहुत लोगों को उंगली करने की आदत होती है कि हम जरा जाकर के फायर अलार्म सिस्टम में उंगली करें या ये करें वो करें। मैं भी कभी ऐसा करा, तो प्लीज वहां पे रैगिंग वगैरह तो बिल्कुल मत करना। मतलब कभी इनके हिसाब से वहां पे छोटी सी मिस्टेक भी होगी सॉरी ना, बोलो, तो वहां पे आपकी तुरंत की तुरंत फाइल खुल जाएगी, और फाइल खुलने के बाद सबसे पहले देखा जाएगा कि इन इन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस तुमने क्या क्या किया है। तो उसमें सबसे पहले जब चीज आ जाती है ना कि हाँ पास्ट में इसने अच्छा ये काम किया था, तो एक नेगेटिव इमेज पहले ही बन जाती है कि अच्छा ये पहले ये काम कर चुका है, अब दोबारा ये ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, हमेशा याद रखो। इसलिए वहां पे जाकर के कोई फालतू के पंगे नहीं करने हैं, कोई रैगिंग। देखो रैगिंग जनरली लोग करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे नहीं, लोगों की चिढ़ाने की आदत है। यहाँ पे बीच में एक बार पंगा हुआ था कि कुछ लोग दूसरे को चिढ़ा रहे थे, तो वो इतना ज्यादा चिढ़ गया था कि नहीं हमें ये नहीं कर। अगर बाई चांस आपकी ये कंप्लेंट हो गई और कॉलेज को ये लगा कि हाँ ये रैगिंग की कैटेगरी में आता है, तो आपके पेपर पे लाइफ टाइम ये लिख दिया जाएगा, हाँ ये चिढ़ाना वाला किसी को ना। किसी को भी हाँ मजाक में नहीं, तो उसको बार बार चिढ़ा रहे हो आप, तो तो वो ये कब उसमें तक आ वो जाएगा। अपनी लिमिट्स पे रहेगा। हाँ उसकी लिमिट क्रॉस हुई, उसने फॉर्मली कंप्लेंट करी, पर अब वो बच्चे वहीं पे ही 6 दिन से काम कर रहे हैं, उनको कोई सेमेस्टर ब्रेक नहीं मिला। वो सेमेस्टर देखो ब्रेक। काम करना इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो तुम्हें ट्रेन कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर आपके रिकॉर्ड में चला गया, तो रिकॉर्ड में जब भी इन फ्यूचर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई और आपकी इंक्वायरी हुई, तो रिकॉर्ड में सबसे पहले निकाला जाएगा कि इसने पहले क्या किया था, अच्छा ये किया था इसने, ओके। वही आपकी नेगेटिव भी बन सकती है वहां इससे, से नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है, नेगेटिव रेपो बनती है। और वो गलती आपके लिए, आपके ऊपर बहुत क्लेम्स डाल सकती है, इवन आपको इतने पैसे देने पड़ जाएंगे कंपनी को कि आप जितना कमाओगे नहीं उतना आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। एक और चीज यार, ये फोन फोन के यूजेस जो है, ये फोन फोन चलाने के कुछ रूल्स है यार वहां पे। फोन चलाने के क्या रूल है, वो जैसे ब्रिज पे क्या करना है क्या नहीं करना है, या चलते हुए फोन चलाना है कि नहीं चलाना है, कैसे चलाना है, वो भी एक बार इनको जरा एक्सप्लेन कर दे। अब यही है कि मतलब आपको फ़ोन, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, वो कोशिश करो या फिर अपने हॉस्टल में चलाओ, या फिर चला भी रहे हॉस्टल के बाहर भी चला रहे हो तो ऐसी प्लेस पे चलाओ जहाँ पे वो सेफ़ हो। और इवन आपको कोशिश करो कि फ़ोन एक जगह खड़े होके चलाओ, अगर खड़े होने की भी जगह नहीं है वहाँ पे, आपको बेंच दिख रहा है तो वहाँ बेंच पे बैठ के चलाओ। वहाँ पे चलते हुए फ़ोन चलाना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अगर पकड़े जाए तो इवन पुलिस
फ़ोन भी छीन लिया जाता है। यहाँ पे बहुत केसेस देखे थे मैंने, जिन बच्चों का फ़ोन छीन लिया गया था उनका फ़ोन उनको दो दो तीन तीन महीने बाद मिले थे। तो हाँ, वहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट में रखना, वहाँ पे यूज़ वैसे ही कम हो जाएगा। एक तो इतना काम होगा कि वहाँ पे यूज़ कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी, बट जितना भी कर पाओगे तो उसको लिमिट्स में करना, इधर उधर देख लेना कि मतलब कुछ गलत काम मत करना। जैसे चलते हुए फ़ोन चलाना बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो हजार्ड होता है शिप पे। तो उसके लिए हमको, जब हम ट्रेन करते हैं, वो हमको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो सब ये चीज़ें देखते हैं, नोटिस करते हैं। इवन वार्डन्स हमको कैमरास में से देख लेते हैं, ये कैडिट चल के जा रहा है और ये फ़ोन यूज़ कर रहा है। इवन मेरे सामने के कुछ केसेस हैं, कुछ कैडिट्स ऐसे ही रैंडम चलते हुए फ़ोन यूज़ कर रहे थे, टाइपिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, सामने से प्रिंसिपल सर आए, उनका फ़ोन छीन के ले गए। और अभी उनको आने से एक दो दिन पहले उनको फ़ोन उनका वापस मिला, और अभी जाके उनको ये फ़ोन फिर से सबमिट भी करना। गेट रेडी फॉर देट ऑल्सो। अच्छा, एक बच्चा ये पूछ रहा, फर्स्ट स्पेशली एमा की स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करें, स्पेशली एमा के लिए बताओ। नहीं है, बस इंटरव्यूज को अच्छा, जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग इंटरव्यूज को रखो, और एग्ज़ाम तो निकल ही जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट पे ध्यान दो, कुछ भी गलत मत हो साइकोमेट्रिक टेस्ट में। पिछली बार हुआ था कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम निकल गया था, साइकोमेट्रिक टेस्ट ही नहीं निकला। साइकोमेट्रिक टेस्ट में जनरली क्या होता है कि वो क्यों नहीं निकला था उसका रीज़न मैं बताता हूँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट सब बोलते हैं बहुत आसान है, आसान है। एक बच्चे ने क्या किया, सब में एक ही सेम ही ऑप्शन डाल दिया। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट का रूल क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन वो 5-6 बार पूछेगा आपसे घुमा घुमा करके। ये मैंने एक बार करवा करके दिखाया था, यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूछेगा, तो आपको उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग देना होता है। और उसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है, पढ़ना है और आंसर करना है, दैट इज इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी आपका साइकोलॉजी है वो वहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपका साइकोलॉजी वहां पे मिसमैच नहीं होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में आपने कुछ आंसर दे दिया और वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया तो आपने दूसरा आंसर दे दिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, कह रहे सर साइकोमेट्रिक टेस्ट तो बहुत लंबा है और इंग्लिश हमारी उतनी अच्छी है नहीं, तो हमने सब में एक ही आंसर ठोक दिया, तो केवल साइकोमेट्रिक के चक्कर में निकाल दिए गए थे। तो ये गड़बड़ मत करना। बाकी तो देखो क्या है कि एंग्लो के पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हम अपन प्रैक्टिस भी इतनी करते हैं कि एंग्लो का रिटर्न तो निकल ही जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, उसके पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली जो है वो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में भी इस बार काफी चेंजेस हुए हैं। वैसे इसके टाइम का इंटरव्यू और अपने टाइम का अभी जो करंटली चल रहा है, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो बहुत बढ़िया चीज है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि जैसे एंग्लो की बात करता हूँ, इस कंपनी में बहुत ज्यादा रश है। इवन 50,000 कैडेट्स उसमें वो भरते हैं फॉर्म्स, और सिलेक्ट उनको 160 करने होते हैं। तो हाँ, इधर है कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन में देखो, रिटर्न में तो तुम्हें जितने भी क्वेश्चन है उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर यहाँ पे इतने मैं करवा दूंगा उससे पहले कि तुम्हें उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक वहाँ पे जाकर के पहले तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, और दूसरा वहाँ पे जाकर के जो ऐसे लिखना होता है। अब ऐसे के भी अपने पास 15-20 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बट वो लिखने की प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, राइटिंग ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और अभी का जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा बदल गया है। जैसे इनके टाइम पे क्या होता था कि इनके टाइम पे फिजिक्स अभी भी वैसी पूछ रहे हैं, वो फिजिक्स अभी भी वैसी पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी पूछ रहे हैं वैसी का वैसा है, बस मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मैथ्स में इस बार क्या हो गया कि वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, वेक्टर के क्वेश्चन करवा लेते हैं, ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहना। मतलब प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चन जो इनके यहाँ सेमेस्टर में आ रहे हैं वो इस बार इंटरव्यू में पूछ लिए गए थे, तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। और किसी को कोई और डाउट है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसे, पता कैसे कराएगा एसे की प्रिपेयर होंगे? यस यस, वही टॉपिक्स में से ही आते हैं क्वेश्चन, इवन सेम होते हैं टॉपिक्स, वो जो सर देंगे आपको उन्हीं कोई टॉपिक्स को सबको एक एक बार लिखो, सर को चेक करवा लो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, और वही सेम जाके वहाँ लिखाओ, बेस्ट है। मतलब यहाँ पे एक एक जैसे पहले बार तुम कोई ऐसे लिखते हो, सपोज करो तुम्हें पूछ लेगा कि स्कूल का एक्सपीरियंस दो, तो अपने स्कूल के एक्सपीरियंस पे लिख रहे हो, या सोशल मीडिया के हैजार्ड्स पे लिख रहे हो। जब आप एक बार लिखोगे ना तो उसमें गलतियां होंगी, दैट इज फॉर श्योर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर अ मेंटर और अ टीचर के एक बार देख लो, चेक कर लो, या उसको आप उठा करके ग्रामरली पे भी डाल सकते हो, लेकिन ग्रामरली पे ही लिखना स्टार्ट मत कर देना, लिखना खुद, बाद में उठा करके ग्रामरली पे डाल करके चेक कर सकते हो कि कितने एरर आए, नहीं तो अपने टीचर्स को दिखा दो कि कितने एरर आए।
ठीक है, टीचर्स को दिखाने का एक फायदा ये होता है कि जैसे ये लोग मुझे दिखा देते थे उस टाइम पे, तो मैं बहुत बार ये भी बता देता था कि इसमें ये वाला जो पॉइंट डाला है ये यूजलेस है, या इस पॉइंट पे ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इस पॉइंट पे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट, क्या क्वेश्चन पूछेगा या क्या करेगा क्या, क्योंकि कई बार उन लोगों को नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछने होते हैं तो ऐसे में से ही उठा करके पूछना शुरू कर देते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आई होप दिस इज क्लियर। सर व्हाई यू गेट लेट टू टेक एडमिशन? लेट क्यों हुआ तेरा एडमिशन? लैक ऑफ नॉलेज मेरे को इंटरव्यू, मतलब मेरा रिटन क्लियर हो जाता था, बट हाँ मेरी इंटरव्यू स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, मैं इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, इवन मेरी इंग्लिश भी इतनी बेटर नहीं थी उस टाइम पे, तो हाँ उनकी उस गलतियों की वजह से मेरा रह गया था। बट हाँ उसके बाद मैंने ज्वाइन करा, सर की कोचिंग ज्वाइन करी, उससे पहले मैं इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन करी थी साथ में ही सर के यहाँ आने से पहले, तो हाँ उन दोनों ने बहुत हेल्प करी, तो उसके वजह से सर ने मेरी टेक्निकल नॉलेज पे हेल्प करी। मैं रीता मैम को बहुत इंटरव्यूज़ दिए मैंने, इवन 70-80 इंटरव्यूज़ दिए होंगे मैंने एंग्लो से ही पहले, 70-80 इंटरव्यूज़, समझ में आ रहा है? इवन दिन में दो बारी रोक लेता था, एक तो सुबह आते ही इंटरव्यू देता था और एक उनके घर जाने से पहले पहले, तो हाँ मैंने उनको बहुत इंटरव्यू दिए, उन्होंने बहुत हेल्प करी। मैम ने मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी थी कि वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया वो क्वेश्चन ख़त्म नहीं करते थे, मैं आंसर पहले स्टार्ट करता था, ऐसा मेरे को आता था वहाँ पे। देखो एक रूल हमेशा बना करके चलो, अगर आपको जैसे इसने बताया ना 70-80, अभी देवांग आएगा एक दो दिन के बाद, मैं देवांग से भी बात करवाऊंगा तुम्हारी, तो जितने बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं ना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आपका बैकग्राउंड चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो, लेकिन अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसका सिर्फ एक ही रूल है, ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू में तुम्हारा डर नहीं निकलेगा, ऑनलाइन इंटरव्यू में तुम उसके सामने होते ही नहीं हो एक्चुअली देखा जाए तो ऑनलाइन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा डर नहीं निकलता, ऑफलाइन इंटरव्यू में असली डर निकलता है। इन लोगों के जब इंटरव्यू में शुरू शुरू में लेता था तो बहुत खराब इंटरव्यू होते थे शुरू में, बहुत ही ज्यादा, जैसे तुम लोगों ने इंटरव्यू दिए ना, तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे मेरा इतना ज्यादा खराब हुआ है, वो नॉर्मल है। जब आप ऐसे ही इंटरव्यू कम से कम 20 इंटरव्यू दे दोगे तब जाकर के आप ये मान के चलो कि आपको कुछ अच्छी ग्रिप मिलने वाली है इंटरव्यू पे जाकर के। तो इन लोगों के साथ में भी इंटरव्यू में ये सेम चीज होती थी, ये जो डर होता है, हाँ ये सारी चीजें, ये आप, हाँ पूछो। इसका भी कैसे है? तो बेस्ट मेथड अपनी एक तो इंग्लिश ठीक करने का यही है कि आप कोई बुक रीड स्टार्ट करना, बुक रीड करना स्टार्ट करो, वो बहुत हेल्प करेगी। सर आप करवाते हो? हाँ बुक रीड कराता हूँ, लेकिन बहुत रेयरली कोई आता है बुक रीड करने के लिए सुबह सुबह। मेडिटेशन कराता हूँ, उसमें भी बहुत कम लोग आते हैं। नहीं, वो बुक रीडिंग तो कंपलसरी है, वो आगे जाके सही में बताऊँ मैं भी नहीं करता था यहाँ पे, बट हाँ आगे जाके हेल्प करेंगे वो जरूर। देखो जो रूल हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना कि आप सुबह सुबह मेडिटेशन किया करो, अभी मेडिटेशन तुम मेडिटेशन नहीं करते हो ना तो तुम्हें अवेयरनेस वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है? तो वो करना शुरू करो और बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो, दो चीजें तो बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट करो। और कुछ कम्युनिकेशन के लिए? कम्युनिकेशन के लिए अभी हम लोगों ने किया था, जितने भी ऐसे के टॉपिक थे एक एक बच्चा आता था उसमें से छोटी छोटी चीजें निकालता था और उसको बोलता था, तो यहाँ पे सत्यम ने वो भी स्टार्ट करवाया था, तो उससे भी काफी लोगों का थोड़ा सा डर खत्म हुआ था यहाँ पे खड़े होकर के। बाद में बात ना, इसे मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में 19 मार्क्स आए थे 50 out of 50, तो आपके कितने आए थे, मतलब लगभग आपको अप्रोक्स याद हो तो? जब मैं देता था तब ये मार्क्स वगैरह नहीं, मतलब फिर भी आपको हिसाब से आपके कितना लगता है कि आपको कितने आने चाहिए थे 50 में से? कितने आते अगर मैं टाइम पे देता तो? ये जो मार्क्स वाला सिस्टम है ना तब हमने स्टार्ट नहीं किया था, ये तो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया कि सर ये देखो एंग्लो का इंटरव्यू का पेपर पैटर्न है, इंटरव्यू में कैसे कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, आप भी इस तरीके का कुछ बनाओ, उसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था। उससे पहले हम लोग बहुत सिंपल लेते थे, 3-4 चीजें डालते थे। यहाँ तक तो आ गए थे आउट ऑफ 50, ये आराम से 40-48 तक आ गया था इनिशियली। अगर देखोगे, अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि मुझे जितना याद है इसका इंटरव्यू मैंने लिया, क्योंकि पहले ये बहुत डरा हुआ था शुरू शुरू में, तो तुझे याद होगा ना तू कितना डरता रहता था या बोलता नहीं था या बोलने के टाइम पे हेजिटेशन बहुत था, तो मेरे हिसाब से 2022 के आसपास इसके मार्क्स होने चाहिए शुरू वाले रिकॉर्ड्स में, और उसके बाद में